हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर राजस्थानी शैली, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर राजस्थानी शैली के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, तो जल्दी से स्टूडेंट जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वो अपने ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम से जुड़ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर किसी को अगर टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम है, तो टाइमिंग के लिए आपसे बोला था कि यहाँ पे मैंने वैसे 2 बजे का टाइम मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि 2 बजे के अगर मैं 3 बजे का कर दूंगी, 3 से लेके 6 बजे तक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही कम ही गैप रहेगा। तो आपका 2 बजे कर दिया है, 2 बजे के बाद अपना देखो, बाई चांस अगर कोई एक दो बच्चा स्टूडेंट नहीं देख पाता है 2 बजे, तो वो अपना स्टूडेंट 3 बजे देख ले उसको, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन मैं जिस तरह से आपको बताऊँ तो उसको अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये ग्राफ समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहला हम स्टार्ट करते हैं राजस्थानी शैली। तो राजस्थानी शैली का हम बता देते हैं कि अगर हम राजस्थानी शैली का जन्म का बात करें या जन्मदाता की बात करें, कि यहाँ से जो जन्म होता है राजस्थानी शैली का, जो सबसे पहले वो मेवाड़ शैली से होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको याद करना है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर राजस्थानी शैली का अगर हम विकास की बात करें, ठीक है, यानी कि मेवाड़ शैली की शुरुआत की बात करें, तो हमारा 16वीं से यहाँ पर 19वीं सदी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यही चीज बात करें चरमोत्कर्ष, देखो यहाँ पर विकास अलग होता है, चरमोत्कर्ष अलग होता है, चरमोत्कर्ष और स्वर्ण काल एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विकास की बात करें तो 16वीं से 19वीं शताब्दी हो जाएगा, और यहाँ पर चरमोत्कर्ष की बात करें तो 17वीं से 18वीं, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ से पूरा ओवरऑल की बात कर रहा है यहाँ पर, कि 16 से 19वीं शताब्दी तक यहाँ पर चला है राजस्थानी, मतलब पूरी ओवरऑल की बात कर रहे हैं शुरुआत से अंत तक। और चरमोत्कर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 17वीं से 18वीं हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 17वीं से 18वीं। कोई भी स्टूडेंट जल्दबाजी नहीं करेगा, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट है होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दबाजी करते हैं, सोचते हैं कि आपका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसको नोट डाउन कर ले। देखो, नोट डाउन करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से मैं अगर बता रही हूँ आप उसको अच्छे से समझिए, और अच्छे से उसको अगर एक दो बार उसको रीड करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो विकास का है, चरमोत्कर्ष का है, ये चीज समझ आ गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर राजस्थानी शैली का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण में देखेंगे इसका क्लास, मतलब जो इसका है क्लासिफिकेशन, तो इसमें कैसे दिखते हैं, ठीक है। राजस्थानी शैली का वर्गीकरण है तो हम इसका देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें वर्गीकरण करा गया है। पहले तो हम बताते हैं कि राजस्थानी शैली का जो दूसरा नाम है, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट समझ रहे हैं, यहाँ पर राजस्थानी शैली का जो वर्गीकरण है उसका, यानी कि हम देखते हैं कि इसका सबसे पहले दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थानी शैली को बहुत सारे नाम से बुलाया गया है, तो यहाँ पर हम इसी बात में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा? श्रृंगारिक चित्रकला हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एनसी मेहता, जो एनसी मेहता ने मतलब राजस्थानी शैली को जो नाम दिया था वो कौन सा नाम दिया था? हिंदू चित्रकला नाम दिया था। अगर हम इन्हीं की बात करें, इन चारों की बात करते हैं, ईवी हैवल की बात करते हैं, एके स्वामी की बात करते हैं, और ओसी गांगुली, और चौथा वासिल ग्रे की बात करते हैं, तो इन्होंने जो नाम दिया था वो कौन सा नाम दिया था? राजपूत चित्रकला, ठीक है। ये चीज आपके 3 नाम हो गए यहाँ पर, एक आपका हो गया है श्रृंगारिक चित्रकला, दूसरा आपका हो गया है हिंदू चित्रकला, और चौथा आपका हो गया है तीसरा आपका हो गया है राजपूत चित्रकला। मेरे नंबर्स भी कितनी जल्दी भाग जाते हैं, है ना, 1, 2 के बाद 4 आ गया। चलिए, तो यहाँ पे है श्रृंगारिक चित्रकला है, तो एनसी मेहता ने हिंदू चित्रकला, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह से अगर ग्राफ बनाते हैं तो आपको याद करने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी। आप कोशिश करिए कि अगर ऐसे ग्राफ बना के देख लेंगे एक दो बार, देखो एक ही पेज पर आई थिंक, कि अगर उसको हॉरिजॉन्टल में करके देखेंगे, ठीक है, लैंडस्केप में, तो अगर मुझे लगता है कि एक ही पेज पे पूरा ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो इसको अलग पेज पर बना लेना, ये वाला अलग पेज पर बना लेना, और ये वाला जो है पूरा ये वाला, इसको एक पेज पर बना लेना, ठीक है। तो आपको जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसको वैसे ही समझिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ पर सबका जितना, अभी देखो एनसी मेहता की बात हो रही थी, ईवी हैवल की बात हो रही थी, एके स्वामी, ओसिल
गांगुली की बात हो रही थी और वासिल ग्रे की बात हो रही थी, मतलब चारों की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर सबका मतलब बिल्कुल खंडित करा दिया और यहाँ पर सबका बिल्कुल उसका सब एक ही नाम निकाला। किसने नाम निकाला? राय कृष्ण दास ने। जो राय कृष्ण दास ने जो इसका नाम दिया था वो क्या नाम दिया था? राजस्थानी शैली, जो हम उसी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, ना ही जो हम हिंदू चित्रकला के नाम से जानते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, इतना ज्यादा लोगों ने नाम नहीं लिया, ठीक है। राजपूत चित्रकला है तो राजपूत चित्रकला के भी नाम से कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर राजस्थानी शैली के बारे में ही जानते हैं, ठीक है। ये चीज तो हो गया, राय कृष्णदास भी हो गया, ये हो गया आपका 4 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेज शासक थे वो राजस्थानी शैली को क्या किस नाम से बुलाते थे? राजपूताना के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं, यानी कि भारत सरकार ने इस क्षेत्र की, यहाँ पर शैली की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? राजस्थानी शैली की जो है, तो इस क्षेत्र का जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया था? राजस्थानी नाम दिया था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इस क्षेत्र का नाम क्या दिया था? राजस्थानी, और कौन से सन में? नवंबर 1956 में, ठीक है। ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर राजस्थानी शैली के बहुत सारे केंद्र हैं, तो केंद्र के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मेवाड़, जो मेवाड़ का यहाँ पर राजस्थानी शैली का जन्म होता है, ठीक है। राजस्थानी शैली का जो जन्म की शुरुआत होती है वो कौन सी शैली से होती है? मेवाड़ शैली से होती है, ठीक है। जिसकी स्थापना, यहाँ पर पहले देखते हैं वंश, देखते हैं सबसे पहले स्थापना की बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं मेवाड़, पहले हम देखते हैं सब केंद्र देखते हैं। आपको चार केंद्र याद करने हैं, मेवाड़ जिसका वंश है सिसोदिया वंश, दूसरा है मारवाड़, ठीक है, ऐसे ही करके बनाना मेवाड़, दूसरा है मारवाड़ जिसका है राठौर वंश, ठीक है, तीसरा आपका है हड़ौती वंश, वो सॉरी हड़ौती वंश नहीं, हड़ौती केंद्र है, और ये आपका कौन सा हो जाएगा? हाड़ा वंश। आपका 4 नंबर है डूढ़ार शैली है, जो कछवा वंश हो जाएगा, ठीक है। ये चारों आपका वंश हो गया, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा कि ताकि जितने भी राजवंश हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन कौन से किसके राजवंश हैं, ठीक है। ये चार आपके पॉइंट हो गए। अब हम बात करेंगे इनके उपकेंद्र की बात करते हैं। सबसे पहले अब हम एक एक करके उपकेंद्र को चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला मेवाड़ जिसका राजवंश है सिसोदिया वंश, उपकेंद्र है यहाँ पर उदयपुर है, नाथद्वार है, देवगढ़ है, प्रतापगढ़ है, शाहपुर और चावंड, ये जो आपके 4-5 जो हैं उपकेंद्र, तो यहाँ से एग्जाम में इसलिए पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ शैली का जो उपकेंद्र है तो वो कौन सा है। अगर मान लो आपने मेवाड़ शैली के उपकेंद्र नहीं याद करे हैं तो आपको यहाँ पर एग्जाम टाइम में यहाँ पर टिक लगाने में बहुत ही ज्यादा मतलब कठिनाई होगी, तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से लगा लेंगे अगर आपने उसके उपकेंद्र याद करे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर उदयपुर है, नाथद्वार है, देवगढ़ है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा और चावंड, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मेवाड़ की, यहाँ पर मेवाड़ शैली की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर मेवाड़ यानी कि क्षेत्र की बात कर रहा है, जिसकी स्थापना किसने करी थी? बापा रावल ने 1728 में करी थी, ठीक है, यानी कि कौन सी सदी में? आपकी 8वीं, ठीक है, ये 8वीं सदी हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 8वीं हो गई, ठीक है। बाई चांस पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि यहाँ से राजस्थानी का जो राजस्थानी मतलब शैली नहीं, राजस्थानी का विकास की अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्षेत्र का जो हुआ था विकास, तो यहाँ पर स्थापना मेवाड़, क्योंकि जन्म कहाँ से माना जाता है? मेवाड़ से ही माना जाता है। स्थापना कौन सी हो गई? आपकी बापा रावल की हो गई, और बापा रावल ने किसने में करी थी? 1728 यानी कि 8वीं सदी, ठीक है, यानी कि 8वीं सदी का हो गया, तो ये चीज आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर्ण काल, जो स्वर्ण काल है मेवाड़ का, मतलब मेवाड़ का जो स्वर्ण काल है, जिसे राजस्थानी शैली का जनक माना जाता है। किसको जनक माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला, ठीक है, यानी कि शैली या चित्रकला का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? राणा कुंभा भी लिख सकते हैं, या फिर हम महाराणा कुंभा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। देखो अच्छे समझिएगा तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिस तरह से मैं बता रही हूं तो आप उसी तरीके से उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर है स्थापना, स्थापना किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? किसकी बात कर रहे हैं? देवगढ़ की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? देवगढ़ की बात हो रही है, जिसकी यहाँ पर स्थापना
रावत द्वारिका दास चूड़ावत ने करी थी 1686 में, किसने करी थी 1686 में, और किसने करी थी रावत द्वारिका दास। ठीक है, चरमोत्कर्ष की बात करें, देखो यहाँ पर स्थापना का अलग होगा, यहाँ पे चरमोत्कर्ष अलग होगा। बहुत सारा अगर एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्वर्ण काल या फिर चरमोत्कर्ष या फिर पूछा जाता है विकास। ठीक है, स्थापना का तो बहुत ही कम ही पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप चरमोत्कर्ष और विकास का जरूर याद करें। तो यहाँ पर मैंने नोट डाउन भी करवा रखा है दोनों ही चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर चरमोत्कर्ष है वो श्रीधर अंधारे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? श्रीधर अंधारे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप पॉइंट अच्छे से क्लियर करिएगा। ठीक है, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लूं तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो यहां पर ये हो गया चरमोत्कर्ष जो है श्रीधर अंधारे है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट है मारवाड़, जिसका राजवंश है राठौर वंश। ठीक है, उपकेंद्र हो जाएगा आपका जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, जिसे राजस्थान की कुंजी बोला जाता है। किसको? अजमेर को। और चौथा आपका कौन सा हो जाएगा, सॉरी पांचवा हो जाएगा आपका नागौर। ठीक है, नागौर हो जाएगा, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर, तो आपने देख लिया कि इसका राजवंश कौन सा है। अब हम देखेंगे यहां पर जोधपुर की बात करते हैं। जोधपुर जो राजस्थानी का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। स्थापना है यहाँ पे राव जोधा। कितना सन है यहाँ पर आपको सन दिखाई दे रहा है? 1458। ठीक है, राव जोधा है तो यहाँ पे 1458 हो जाएगा। देखो स्थापना अलग है, चरमोत्कर्ष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा। चरमोत्कर्ष माना गया है मानसिंह, विकास राजा मालदेव। ठीक है, ये सब अब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आर्टिस्ट नहीं है। यहाँ पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? राजवंश या शासन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसी राजा की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसका शासन था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो राजा जाते हैं आते हैं, दूसरे नए नए बनते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्थापना करी थी राव जोधा ने। चरमोत्कर्ष जो हुआ था वो मानसिंह, जैसे कि आपने अकबर पढ़ा, तो अगर हम चरमोत्कर्ष की बात करें तो जहांगीर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो चरमोत्कर्ष हुआ था जोधपुर का वो मानसिंह हो जाएगा। विकास की अगर हम बात करते हैं तो राजा मालदेव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यही चीज बीकानेर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो यहाँ पर स्थापना है तो राव बीका, यहाँ पे बीका से तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा राव बीका है। तो यहाँ पर जो इसका स्थापना का समय है, स्थापना का समय ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन तब भी आपको जैसे होता है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि नेट का होता है, तो वहां पर अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इतना ज्यादा भी नहीं पूछा जाता है, बस आप नॉलेज के लिए याद कर लीजिए कि 1485 से 88। ठीक है, यहाँ तक इतना स्थापना का। अगर हम बात करें कि क्षेत्र की प्रथम खोज का श्रेय, अगर यानी कि जो बीकानेर का क्षेत्र है, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? क्षेत्र की। अगर हम प्रथम खोज की श्रेय की बात करें तो किसे गया है ये? किसे गया है? एलसी टीसी टोरी, ये वाला एग्जाम में आ चुका है, तो पढ़िएगा इसको। ठीक है, आयोरेल स्टीन है और हरमन गोइट्स हैं, ये तीन है, तो इनको क्षेत्र का जो प्रथम खोज का श्रेय गया है वो किसको गया है? बीकानेर शैली को, बीकानेर शैली के लिए गया है। ठीक है, मतलब क्षेत्र के लिए गया है, यहाँ पर चित्रकला की बात नहीं हो रही है, क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किशनगढ़, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा किशनगढ़ भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो स्थापना है, जो स्थापना है वो आपका किशन सिंह, कितना सन में हो जाएगा आपका? 69, यानी कि 1609। अगर हम विकास की बात करें, यानी कि किशनगढ़ की शैली का विकास, या फिर हम बोल सकते हैं चरमोत्कर्ष। ठीक है, चाहे तो आप चरमोत्कर्ष लिख सकते हैं, या फिर हाँ चरमोत्कर्ष विकास ही यहाँ पर लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, विकास स्वर्ण काल जो अगर हम देखते हैं तो नागरी दास। ठीक है, नागरी दास हो जाएगा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? सावंत सिंह। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये चीज एग्जाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अजमेर जिसे राजस्थान की कुंजी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 16वीं सदी अजयपाल चौहान। ठीक है, इधर से मैं पढ़ा देती हूँ तो अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 16वीं सदी है अजयपाल चौहान। नागौर का इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस ये है सपाद लक्ष्य के चौहानों द्वारा। ठीक है, ये तो दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं, आपके दो पॉइंट और रह गए हैं, तो इसको और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से याद करिएगा। देखो यहाँ से बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हाँ यहाँ पर है, क्योंकि स्वर्ण काल विकास बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप
आपका यहाँ से ये सोच लिया कि अगर आपने तैयार कर लिया है तो आपको बहुत अच्छे से आसानी से याद आसानी से आप याद कर सकते हैं अगर इस तरह से ग्राफ बनाना सीख गए हैं तो। हड़ौती शैली का है, वंश हो गया आपका हाड़ा वंश हो गया। अब हम कोटा शैली की बात करते हैं। कोटा शैली जिसे यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, जिसे शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो प्रैक्टिस सेट में कराऊंगी एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा दूंगी, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं हुआ कि आपके एग्जाम में ना आए। तो देखो आपका प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट बाई चांस नहीं जुड़ा है तो वो 10:30 पर जो जाए, 10:30 पर मेरी लाइव क्लास होती है तो वहां पर 10:30 पर क्लास, ठीक है। वैसे तो अगर थ्योरी की क्लास तो दो बार चलेगी ही आपकी, एक 2 बजे और एक 6 बजे, ठीक है। चलिए तो कोटा शैली है, यहाँ पर स्थापना है, स्थापना 1625 है, याद रखिएगा कोटा है तो स्थापना हो जाएगा 1625 है, जिसका चरमोत्कर्ष, यहाँ पर कोटा शैली का चरमोत्कर्ष बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राजा उमेद सिंह है, जिसको प्रथम जानकारी 1952 में कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने दी थी, ठीक है। जिसकी प्रथम जानकारी किसने दी थी? 1952 में, ठीक है। किसकी जानकारी दी? कोटा शैली की जानकारी दी थी। किसने दी थी? कर्नल टीजी गेयर ने दी थी। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बूंदी शैली की बात करते हैं। बूंदी शैली का यहाँ पर राव देवा जी है। देखो राव बीका जी अलग है, यहाँ पर बीकानेर राव बीका जी अलग है और यहाँ पे राव देवा जी अलग है। जो राव देवा जी है वो बूंदी शैली के स्थापक है, ठीक है। झालावाड़ देखते हैं तो यहाँ पर स्थापना है वो 1857 हो जाएगा। प्रथम राजा है जालिम सिंह, ठीक है। यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है ना, यहाँ पर किसकी बात, मतलब किसी चित्रकार की बात नहीं हो रही है, राजा की बात हो रही है। जो प्रथम राजा थे झालावाड़ के वो जालिम सिंह थे, जिसकी लेकिन स्थापना 1857 में हुई है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर टूडार शैली। आपका ये चीज क्लियर हो गया, 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं, उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। बाकी तो मैं इधर इधर घूम ही रही हूँ समझ में नहीं आता किधर से पढ़ाऊं। चलिए तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, यहाँ पे डूढ़ार शैली है जिसको कछुआ वंश, ठीक है, जो वो मतलब है इसका वंश है कछुआ वंश है। यहाँ पर इसके केंद्र देख लेते हैं, उपकेंद्र है जयपुर है, अलवर है, उनियारा है और शेखावटी है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, स्थापना का समय जो हो जाएगा वो 1727 और किसके? सवाई जयसिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये वाला, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है सवाई जयसिंह, जयपुर का जो बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सवाई जयसिंह हो जाएगा आपका। देखो यहाँ से आपका समझ ही होंगे कि सवाई जयसिंह, यहाँ पे जयपुर का अगर चरमोत्कर्ष पूछ लिया जाए तो यहाँ पे सवाई जयसिंह, ठीक है। गुलाबी आवरण जो है वो जो मतलब गुलाबी आवरण जिसके समय में घोषित हुआ था, तो यहाँ पर सवाई राम सिंह, राजा सवाई जय सिंह का नहीं, अगर पूछ ये रहे गुलाबी आवरण किसने कहा या किसके समय में, तो यहाँ पर सवाई राम सिंह हो जाएगा, ठीक है। पिंक सिटी, जैसे जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट रह गए हैं, 3 पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। अलवर है यहाँ पर स्थापना है, जो विनय सिंह या फिर बन्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, विनय सिंह या फिर बन्य सिंह। अलवर का सबसे कला प्रिय शासक, यानी कि जैसे कि आपने कालीन पढ़े होंगे, यहाँ पर जितने भी मुगल में पढ़े होंगे तो यहाँ पर कालीन है, तो आपने देखा होगा कि उनके भी इस नाम से जाना जाता है कि चरमोत्कर्ष किसके समय में हुआ। अगर यहाँ पर हम बात करें कि देखो ये सबसे ज्यादा प्रिय, अभी तक आपने सब देखा है कि हाँ किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष हुआ, ये चीज हुआ, लेकिन जिस तरह से जहांगीर जैसे प्रिय था, चित्रकला को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, ऐसे ही वो भी अकबर भी था, अकबर भी बहुत ही ज्यादा करता था, ठीक है। तो ये जो प्रिय शासक हैं, तो प्रिय शासक ये भी थे कौन? बन्य सिंह या फिर विनय सिंह। और स्थापना किसने करी है? अलवर शैली की विनय सिंह ने करी है। एक आपका हो गया उनियारा और शेखावटी, ठीक है। ये तो चीज आपको पॉइंट क्लियर हो गए, तो साथ साथ में स्टूडेंट एक बार सारे स्टूडेंट बता दीजिए कि जितना समझाया है आपको समझ में आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो एक बार में मतलब आपको एक बार बिना देखे ग्राफ बना के दिखा दूंगी, ठीक है। तो अगर बाय चांस नहीं समझ में आया कि मान लो कैसे ग्राफ बनाए या कुछ भी, तो आपको पूरे एकदम प्लेन बोर्ड पर भी ग्राफ बना के दिखा दूंगी अगर बाय चांस नहीं समझ में आया है तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर राजस्थानी, ये चीज पॉइंट भी बताना भूल गई यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लिख लीजिए यहाँ पर अपभ्रंश, ठीक है। ये चीज भी पॉइंट लिख लीजिए कि अपभ्रंश प्लस गुजराती शैली का मिश्रण है, ये वाला भी एग्जाम में पूछा जाता है, अपभ्रंश तथा और गुजराती शैली का मिश्रण, ठीक है। ये चीज भी पॉइंट लिख लीजिएगा कि अभी मुझे याद आ गया, ठीक है, मिश्रण
है किसका? राजस्थानी शैली का। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर हम मान लो मेवाड़ शैली की बात करें तो मेवाड़ हो जाएगा आपका मुगल प्लस राजस्थानी। ठीक है, ये भी चीज याद रख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसका है कि किसका नहीं, तो मुगल प्लस राजस्थानी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ओवरऑल की बात करें राजस्थानी शैली का, तो आपका वहां से हो जाता है अपभ्रंश प्लस गुजराती शैली का, आपको यहाँ पर मिल जाएगा राजस्थानी शैली में। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट फिर से एक बार बता दो कि या मतलब जितना मैं समझाती हूँ समझ में आता है। देखो बहुत दिन से आपकी क्लास बहुत मिस हो गई है, लेकिन आप कोशिश करूंगी कि आपकी एक भी दिन क्लास मिस ना हो। और अगर किसी की थ्योरी बिल्कुल भी रेडी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर बाई चांस किसी का थ्योरी अगर आपकी नहीं तैयार है तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए। और यहाँ पर आपकी 2 बजे और आपकी 6 बजे क्लास होगी, और आपकी जो लाइव क्लास है प्रैक्टिस सेट का, एक दिन प्रैक्टिस मतलब वन टाइम आपका प्रैक्टिस सेट है, वो नाइट में होगा 10:30 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पर उससे जुड़िए। और यहाँ पर अगर थ्योरी की क्लास करनी है तो आप 2 बजे और 6 बजे आप ज्वाइन होइए और उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं 6 o'clock। ठीक है, बाकी ये तो 2 बजे क्लास है, एक 6 बजे क्लास होगी आपकी आर्टिस्ट की होगी, तो आर्टिस्ट भी आपका साथ साथ में चलता रहेगा, एक तरफ इंडियन चलता रहेगा और लास्ट में आपका प्रैक्टिस सेट। तो बिल्कुल आप जुड़िए, आपके बिल्कुल एग्जाम से पहले पहले बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे। और बाकी सारे स्टूडेंट बिल्कुल लाइक भी करिएगा जाते जाते, और कमेंट तो करना भूल ही गए हैं बहुत ही कम स्टूडेंट हो गए तो बहुत कमेंट कम करते हैं, तो बाकी कमेंट भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं 6 o'clock। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।